हाय गाइस, तो आपने लास्ट व्लॉग में देखा ही था कि हम अपना सामान लेके नीचे आ चुके थे होटल पे चेकआउट करने के लिए। तो हम बस वहाँ के ओनर का वेट कर रहे थे। हमारी ट्रेन में अभी टाइम था, इसलिए हम बहुत ही आराम से बैठे हुए थे। फिर जैसे ही वहाँ के ओनर आए, हमने पेड किया एंड हम निकल गए रेलवे स्टेशन के लिए। हम हमेशा रेलवे स्टेशन टाइम से आधी घंटा पहले ही पहुँच जाते हैं, क्योंकि भले ही ट्रेन कितनी भी लेट आए बट हम लोग वहाँ पे पहुंच ही जाते हैं। और हमने आज तक एक भी ट्रेन मिस नहीं करी है। एंड गाइस, मैं आप लोगों को बता दूं कि हमारी वापसी की जो जर्नी थी ट्रेन की, वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। इस बार की जर्नी हमारे लिए बहुत ज़्यादा सरदर्दी बन गई थी, क्योंकि हम जहाँ पे बैठे हुए थे तो हमें लोअर की सीट मिली हुई थी। मेरे हस्बैंड को भी लोअर की मिली थी, मुझे भी लोअर की मिली हुई थी, तो हम आमने सामने ही थे। बट जो आप जानते हो कि पूरे 8 सीट होती है एक सेक्शन में, तो वो सारी सीट एक फैमिली को मिली थी और उनकी आगे चल के 3 सीट और थी। तो वो हमें इतना ज़्यादा बोलने लग गए कि आप सीट चेंज कर लो, सीट चेंज कर लो। हम सीट चेंज करने को भी तैयार थे बट उनकी सीट एक साथ नहीं थी। तो आप ही बताइए कि हम हस्बैंड वाइफ गए हैं, वो लोग इतने सारे गए हुए थे, तो वो हमें ही बोल रहे थे कि आप जाके वहाँ पर एडजस्ट कर लो, अलग अलग जाके रहो। तो भाई आप खुद सोचिए कि सीट का पैसा हमने दिया है, हमने बुक किया है, तो हमारी सीट जो होगी हम उसी में ही जाएंगे ना। उन सबको एक साथ बैठना था बट उन सब के लिए मैं और मेरे हस्बैंड अलग अलग जाके बैठेंगे, ऐसा हो सकता है क्या? मैंने तो साफ साफ मना कर दिया कि हम सीट एक्सचेंज बिल्कुल भी नहीं करेंगे, उनको जो करना है करे। देन हम रात में खाना खा के आराम से सो गए। ये मॉर्निंग का टाइम है और हम दुर्ग पहुंचने वाले थे। हम सुबह 5:30 बजे ही उठ गए थे, क्योंकि 7:30 बजे हम दुर्ग पहुंचने वाले थे। हमने पिया चाय एंड फाइनली हम पहुंच चुके हैं अपने दुर्ग शहर पे। कुछ भी बोलो, आप कहीं भी चले जाओ, कितने भी अच्छे से घूम लो, बट जब दुर्ग पहुंचते हैं, मीन्स अपने सिटी पे पहुंचते हैं, तो खुशी तो अलग ही होती है। अब पहुंचना था हमें जल्दी जल्दी से घर, तो रेलवे स्टेशन से जैसे हम बाहर निकले वैसे मिल गया हमको ई रिक्शा घर जाने के लिए। एंड गाइस, मैं आप लोगों को बोलना चाहती हूँ कि मैं बहुत बड़े बड़े यूट्यूब व्लॉगर के जैसे तो वीडियो नहीं बना सकती, बट मैं जैसे भी बनाती हूँ मैं कोशिश करती हूँ। तो प्लीज़ गाइस, आप लोग मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए, और अगर आप लोगों को मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगती है तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। एंड गाइस, फाइनली मैं पहुंचने वाली हूं अपने घर, और आप लोग भी मुझे बताना कि हम पैकिंग तो 2-3 घंटे में कर लेते हैं बट उसी सामान को अनपैकिंग करने में लगता है 2-3 दिन। मुझे तो 2-3 दिन लग ही जाते हैं। तो गाइस, आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, क्या आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है या सिर्फ मेरे साथ ही होता है? तो गाइस, फाइनली और गाइस, ट्रैवलिंग का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पे, तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल विच इज रितेश मेहरा ब्लॉग्स। बाय गाइस।